अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में मैं आपको कुरान मजीद से मुतल्लक चंद मालूमात बताऊंगा, जिससे इंशाल्लाह आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आप सवाब की नीयत से इसे आगे भी शेयर करें ताकि लोगों में की मालूमात में भी इजाफा हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, पहली मरतबा कुरान कब और कहाँ छपा? इसका जवाब है सन 1694 ईस्वी 1105 हिजरी में हाम्बर्ग में कुरान मजीद पहली बार छपा। सवाल नंबर दो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सिफत जो कुरान में जिक्र हुई, इसका जवाब है बशीरो नज़ीर। सवाल नंबर तीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जंग जिसका कुरान में जिक्र हुआ, इसका जवाब है जंगे बदर। सूरत आले इमरान की 123 नंबर आयत में यह जिक्र हुआ। सबसे पहले कुरान की तफसीर किसने लिखी? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी। मादरे कुरान कौन सा सूरत है? सूरत अलहम्द को मादरे कुरान कहते हैं। कुरान करीम में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? इसका जवाब है सूरत बकरा की आयत नंबर 282। कुरान में जिक्र होने वाला सबसे बड़ा अदद, इसका जवाब है अलफ। सूरत मजादला में 40 बार जिक्र होने वाला लफज, इसका जवाब है अल्लाह। कुरान का सबसे बड़ा सूरा सूरह बकरा। कुरान का सबसे छोटा सूरा कौन सा है? सूरह कौसर। कुरान में जिक्र होने वाला सबसे बड़ा लफज फस्तकैना कुमोहू, आयत 22 सूरह हजर की। नज़ूले कुरान की मुद्दत 22 साल 2 माह 22 रोज़, इसमें से 12 साल 5 माह 13 रोज़ मक्का में, 9 साल 9 माह 9 रोज़ मदीना में। पहला फरिश्ता जिसका नाम कुरान में जिक्र हुआ, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सूरह बकरा की आयत 97। पहला रंग जिसका नाम कुरान में जिक्र हुआ, जर्द रंग, सूरह बकरा की आयत नंबर 69। पहला पहाड़ जिसका नाम कुरान में जिक्र हुआ, कोहे सफ़ा, सूरह बकरा आयत नंबर 158। अहकाम के सिलसिले में कुरान का सबसे पहला हुक्म अकामन नमाज, आयत नंबर 43 सूरत बकरा। सबसे पहले नहीं जो कुरान में वारद हुई, जुल्म और सितम से। पहला जालम जिसकी कुरान ने निशानदाही की, जालूत, 250 नंबर आयत सूरत बकरा। सबसे पहले कुरान किस खत में लिखा गया? इसका जवाब है खत्ते कूफी। सबसे पहले कुरान की आराब गुजारी किसने की? इसका जवाब है अबुल अस्वद दोइली, शागिर्द हज़रत अली अलैहिस्सलाम। सबसे पहले फ़ज़ाइले कुरान के सिलसिला में किसने किताब लिखी? इसका जवाब है आबी बिन कौब। सबसे पहले कुरान को किसने जमा किया? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहला कारी जिसने तमाम कुरान तरतील के साथ पढ़ा, मोहम्मद खलील हुसरी। पहला हैवान जिसका नाम कुरान में जिक्र हुआ, मच्छर। पहला अदद जो कुरान में जिक्र हुआ, 7 आयत 29 सूरह बकरा में। पहला फल जिसका नाम कुरान में आया, खीरा। पहला ग्रोह जिसका जिक्र कुरान में हुआ, बनी इसराइल। पहला शहर जिसका नाम कुरान में जिक्र हुआ, शहर मक्का। वे कुरान का पहला सूरा जो किसी नबी के नाम से मासूम है, सूरह यूनस। कुरान के पहली सूरत की आयतों की तादाद 7। कुरान का पहला सूरा जो किसी औलुल अज़म नबी के नाम पर है, सूरह इब्राहिम। पहला सूरा जिसका आगाज लफ्ज़ कुल से हुआ, सूरह जिन। पहला सूरा जिसका आगाज एक हरफ मुकत्तिया से हुआ, सूरह सवाद। पहला सूरा जिसका आगाज नबी को ख़ताब करके हुआ, सूरह अहज़ाब आयत 73। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
या अय्युहन नबियु तक्किल्ला वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे और लोगों को भी भेजें और इसे लाइक भी करें, और दूसरे लोगों को भेजने का मकसद कि उनके मालूमात में भी इजाफा हो। जज़ाकल्लाह।